लो दोस्तों देखो, यानी बड़े मज़े से बढ़िया तरीके से इसमें झूल रही है। तो वो वाला तो नहीं मिला जो इलेक्ट्रॉनिक सोच के आए थे, बट हाँ ये वाला मिल गया अभी के एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ट्रैवल होता है तो गाड़ी में ये अभी काम कर जाएगा। भाई कह रहे हैं कि वो अपना जैसे भी 5-6 महीने में थोड़े चलने लग जाएगा उसको, वो सेकंड स्टेज में आप कोई भी खरीद लेना। बस ये लो, चलो बेटा ऐसे ही लेकर चल रहा हूं। आप ये ठीक है? हाँ ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सारी ऑडियंस के लिए। आज प्रीत के हो गए हैं कितने, 4 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सबके लिए थैंक यू सो मच। हाँ प्रीत ने ताबड़ तोड़ मचा दिया, अभी चाप आई नहीं, एक ये चाप रखी है, एक ये चाप, बाकी चखना। और देखो ये देखो, एनी को पिक्चर, एनी डायरेक्ट देख जा रही है अपनी मम्मी को, कह रही है मेरी मतलब ही मम्मी ने मुझे खाने के नाम पे पीछे रख दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज था संडे, मतलब है अभी भी, जिम विम कोई गए नहीं थे हम। पता है आज कितने बजे उठे? 9 बजे उठ चुके थे। 9 बजे उठने के बाद प्रीत ने जो भी है मतलब काम वाली आई थी, काम हम जो भी है वो करवाया, देन उसके बाद खाना वाना बनाया, खा के और फिर सो गए। फिर उठे 6 बजे। सही है भाई, मैं नहीं सोया। अरे बस बस बस, मेरे को खांसी हो रही थी, आप बताओ। अच्छा, और ये देखो ये अभी उठी है हमारी मैडम। एनी अभी उठी है, पूरा दिन सोई है, क्योंकि ये कल का व्लॉग आपने देख लिया होगा, पूरी रात भर नहीं सोती है, तो ऑब्वियसली अब कर ही जा सकते हैं। सो गुड जॉब एनी, गुड जॉब, ऐसे ही परेशान करते रहो। ओके, खुश हो रही है, कुछ हो रहा है कुछ। तो ये मेरे जूते हैं जो धुले नहीं है, मतलब के थोड़े गंदे से हो रहे हैं। ये मशीन में डालने थे, लेकिन अब देखना ये डालेगी नहीं, ये पहले बोलेगी पहले चलते हैं, फिर उसके बाद डाल। पर मैं भी ढीट हूँ, अभी डलवा के जाऊँगा, ठीक है? तो हाँ जी, जल्दी से कर दो, बेबी का ख्याल मैं रख लेता हूँ। अनी चलो चलते हैं, अब आपको लेके। ओके, अनी सोफे पर लेटी है, कहती मेरे को मत उठाओ, और इसकी मम्मी पेटू महाराज, और इसका पापा द हैंडसम मैन। मम्मी के खिलाफ भड़काऊं आपको अभी? नहीं, बाद में गाड़ी में भड़काऊंगा, ठीक है? ओके, डन डन। और हम इसको आज सोने नहीं देंगे। हाँ, रात को जगराता, रात को रोज 5 बजे सुला रही है सुबह सुबह। ये 3 महीने तक करता है बच्चा ऐसे। वो तो जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तब जब बच्चा घुटना चलने लग जाता है तब तो पालने की जरूरत पड़ती नहीं है ना, तब तो फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद पालने की जरूरत नहीं पड़ती। बस बस ये लो, चलो बेटा ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। आप ये करो, ये ठीक है? हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। फिर बाद में 6 महीने बाद तो हमें यही चाहिए। फिर तो बाद में, क्योंकि अभी दो दिक्कत है ना, एक तो गाड़ी का, गाड़ी में उसको ले नहीं जा सकते। देखो मतलब सही भी लग रहा है, बस ऐसी और चला दो, इसके लिए कंफर्ट फील करती है। ये आपको देखो, और भी है इसके अंदर, एक फंक्शन नहीं है इसके अंदर, 3-4 फंक्शन है। बता देना, कभी बता दूंगा। लो दोस्तों देखो, यानी बड़े मजे से बढ़िया तरीके से इसमें झूल रही है। तो वो वाला तो नहीं मिला जो इलेक्ट्रॉनिक सोच के आए थे, बट हाँ ये वाला मिल गया अभी के एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ट्रैवल होता है तो गाड़ी में ये अभी काम कर जाएगा। भाई कह रहे हैं कि वो अपना जैसे भी 5-6 महीने में थोड़े चलने लग जाएगा उसको, वो सेकंड स्टेज में आप कोई भी खरीद लेना। तो फिलहाल के लिए ठीक है, ये लेके चलते हैं। ओके, थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। ये कह रही है कि अभी तो थोड़ा ही खर्चा करवाया, अभी देखते जाओ आगे आगे। अभी तो ये तो
छोटी सी चीज है, अभी तो आप देख रहे हैं। नहीं वैसे तो बहुत खेलती है, बट ये है कि इसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसको गर्मी बहुत लगती है। क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसे की आदत पड़ गई ना। डायपर पता नहीं वो पंप कुछ पैंट। हां मैं हां टेप स्टाइल पैंट स्टाइल पैंट स्टाइल आपको टेप ही करवानी चाहिए। नहीं टेप में ना ये ना अभी टांगे वो चलाते हैं ना तो वो पैंट वाले से ही रहते। इससे पहले टेप टेप का यूज कर रहे थे। एसी कर दिया है एनी के कंफर्टेबल का और एनी बढ़िया तरीके से ले रही है मजे। ए बच्चे बेटा आप सो जाओगे? कह रहे बेट पापा तुम कितनी भी वो कर लो, मैं अगर तुम्हें सोने दूं तो मेरा नाम है नहीं नहीं है। बच्चा बेटा बहुत दिन हो गए हैं, 5-5 बजे सो रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई कर लो। ये ऐसे हिल जाता है, ऐसे हिलता रहता है ये। तो दोस्तों ये ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक वाला जो था, वो भाई ने बताया कि वो 5-6 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। और हमारे पास क्योंकि फर्स्ट क्राई का स्टोर है, ये वाला फर्स्ट क्राई का स्टोर है, तो ये बोल रहे हैं हमें सारे रिव्यूज़ पता हैं और हम आपको जानते हैं तो इस वजह से बता रहे हैं। तो ये वाला सबसे बेस्ट है क्योंकि गाड़ी में ले जाना और बच्चे के 3 महीने तक गर्दन थोड़ी सी मूव मतलब ये खुद से रोक नहीं पाते हैं बच्चे, तो इस वजह से ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी जब सेकंड स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बच्चा घुटमन चलने लग जाता है, घुटमन मतलब घुटनों से जब चलने लग जाता है तो उसमें फिर आपको पालना लेना पड़ेगा बड़ा वाला, ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। तो अभी चलते हैं कहाँ पे, घर पे। दोस्तों एनी बढ़िया से सोने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं सो पा रही। एंड थैंक यू सो मच सारी ऑडियंस के लिए, आज प्रीत के हो गए हैं कितने, 4 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। थैंक यू सबके लिए, थैंक यू सो मच। हाँ अपनी तरफ से बोल दो क्या कहना चाहोगे। बस थैंक यू सो मच। अब जल्दी से 1 मिलियन। इसके पिछले 3-4 महीने से जब से भी ये कहती है। अरे यार मैं तो मेरे 3-4 महीने पहले हुए थे ना 1 लाख, 4 महीने पहले वो टाइम 1 लाख। हाँ नहीं पागल हो, और ज्यादा हो गया जब हम यहाँ पे आए थे ना सेक्टर में। अच्छा उसके आसपास ही हुए थे। अच्छा हाँ चलो ठीक है, तो तब से कहते हैं मिलियन करवा दो, लेकिन इसके अब जाके अब भी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, तो तुम भी प्रैक्टिकल तरीके से चलो, ये इमेजिनेशन के हिसाब से चलती है। देखो इसको 6-7 महीने में, अब 6-7 महीने तो हो गए ना। ये बताओ आप तो प्रैक्टिकल से चल रहे थे, आपकी इमेजिनेशन कैसे होगी, आपका प्रैक्टिकल वे इमेजिनेशन में कैसे बता? यार ये सही था यार, क्योंकि मैं सच में प्रैक्टिकल तरीके से चला था। जब मैंने यूट्यूब चैनल करा था तो मैंने सोचा था, दिसंबर में करा था, नवंबर दिसंबर में मैंने सोचा था कि 1 साल तक तो भूल जाओ, इससे 1 रुपया भी आएगा तो मैं पर 1 साल तक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से करना चाहता था ये चीज, बट कर नहीं पाया कुछ डर की वजह से, कुछ होगा नहीं इस वजह से। तो मैंने सोचा कि अगले 2024 का जब दिसंबर निकल जाएगा ना, 2023 का दिसंबर है ना, 22 का दिसंबर वगैरह, उसके बाद मैं सोचूंगा कि इससे कुछ 20,000 आना शुरू होगा। बट सच्ची में इमेजिनेशन उसके 2-3 महीने बाद से सब कुछ हो गया। तो हाँ किसी के साथ, किसी का दिल साफ होता है ना, दिल साफ की बात होती है, ये दिल साफ की बात होती है। हाँ जी बोलो। उस तरीके की वीडियोस अब हम बना नहीं पा रहे, नहीं तो मेरा भी फटाफट चैनल मोनेटाइज हो जाता, क्योंकि और उस टाइम पे हम ना डेली की 3-4 वीडियोस डालते रहते थे, वो भी ऐसे डालते थे कि हाँ भाई हमें पता था कि भाई ये वायरल होगी, और अब तो हम नहीं डाल पा रहे। कोई नहीं, पर अभी सोचा कि धीरे धीरे कुछ स्टोरी बेस्ड कंटेंट वगैरह इस तरीके की हम वीडियोस बनाएं, तो होप सो वो अच्छी लगे आप सबको और चले। तो अब भी 4 लाख होने की खुशी में अनी मुझे आफ्टर बेबी, मतलब कि भैया 2.5-2 महीने तो अनी को ही हो गया, तो 2.5 या 3 महीने बाद अनी मेरे को आज चाप खिला रहे हैं, और वो भी फर्स्ट टाइम फुल प्लेट 16 सेक्टर की मार्केट में आनी की। और हम आ चुके हैं 16 सेक्टर की मार्केट, और 2.5-3 महीने बाद आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हम आए हैं स्पेशली क्या, हम आए अपने बेबी के साथ, और हमारा बेबी सो चुका है फाइनली। मैंने उठ जा, सोना नहीं है बेबी, यही लगा देता हूँ क्योंकि अंदर देख पूरी गाड़ी लगी पड़ी है यहाँ पे। देखो यार, देखो यहाँ की ना दुकानें नहीं है, ठीक ठाक है, पर यहाँ पे जो भी आता है गाड़ियों में खाने आता है, और मतलब यहाँ के टेस्ट के ना सब दीवाने, सच्ची बताऊँ तो चाप तो इससे बेस्ट मैंने कभी कहीं देखी ही नहीं है। तो
दोस्तों अभी 4 लाख की खुशी में चलो ठीक है, आज चाप खा लेते हैं, फिर उसके बाद इसका 15 दिन का बैन लगा देंगे। अब हर 15 दिन खा सकती है, मेरी तरफ से छूट। प्रीत ने ताबड़ तोड़ मचा दिया, अभी चाप आई नहीं, एक ये चाप रखी है, एक ये चाप, बाकी चखना। और देखो ये देखो, एनी को पीछर, एनी डायरेक्ट देखी जा रही है अपनी मम्मी को, कह रही है मेरी मतलब ही मम्मी ने मुझे खाने के नाम पे पीछे रख दिया। अच्छा सॉरी, अरे नहीं वो बहुत कंफर्टेबल है, और देखो गाड़ी में यहाँ भी पीछे की तरफ भी एसी है, तो इस वजह से ये बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख स्माइल कर रही है ठीक है। चलो जी मैं भी खा लेता हूँ भैया, बहुत टाइम बाद ही मैं खा रहा हूँ। अब यानी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी तो ये उतनी कंफर्टेबल होती चली जाएगी, फिर हम दोनों ही हम तीन जाया करेंगे। तो दोस्तों मेरे को पीना है मैंगो शेक, और आपको भी राइट, मैगी खाने का मन कर रहा था, फिर सोचा नहीं लेट हो गया। इसका ब्याह है भाई, अब इसको नहीं, मैं थोड़ी डाइटिंग कर लो ठीक है। और से गाइस मैंने सोचा कि मैं अजवाइन और जीरे का पानी पीऊंगी, क्योंकि वही है 4 महीने बाद ही जिम स्टार्ट कर सकते, तो देखते हैं 4 महीने में लगातार जीरा और अजवाइन पीने के बाद कितना फर्क लगता है। ठीक है जी, और मेरे को बनाना है मैंगो शेक, मेरे को उठ के जाना है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा ना, इसको पता लग जाएगा कि पापा जा रहे हैं, और फिर रोएगी। इसको दिखते रहने चाहिए, मतलब हम दोनों, वैसे मम्मी ना भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा दिखते रहने चाहिए। ये खुश है इस चीज में, इसकी सारी ड्यूटी खत्म हो जाती है जो ये मेरे पे आती है, क्योंकि पता है क्या, बड़ा बचते हैं रात को अपनी ड्यूटी निभाने में बहुत ज्यादा। अच्छा बच्चा 2:30 बज रहे हैं और एलिगेशन लग रहे हैं तुम्हारे पापा पे। एक अच्छी बात बताऊं तुम्हारी, क्या है, आप अपने पापा की निशानी साथ लेकर आए हो। बीच की मांग नहीं, ये तो परमानेंट है, अभी नाक का जैसे नाक आंख होठ कुछ भी, मतलब कि बड़े होकर चेंज भी हो सकते हैं राइट, लेकिन ये तो परमानेंट है, ये तो यहाँ पे इसका फिक्स है। तो अभी मूवी देख रहा था ना, मैं वेट कर रहा था, अभी मैं इसको बार बार ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ इसमें, बेटा 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 बेटा, उससे पहले इसको तकिया पे इसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। अब ऐसे अब मैं जाऊँगा मैंगो शेक बनाने के लिए, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मुश्किलों से सोई है, मतलब सोने की कोशिश में अभी, तो इससे पहले ये उठ जाए, देखो मैं अपना मुँह भी नहीं हिला सकता, क्योंकि मुँह हिलते ही एकदम से ओ उठ जाएगी, तो अगर ये उठे उससे पहले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ, कल मिलेंगे अगर एनी सो जाती है तो।